हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड आज हम बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिस वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। और ये ग्लोबलाइजेशन हमारा टॉपिक है, यानी ये जो हमारा सब्जेक्ट है ग्लोबलाइजेशन है। वीडियो का जो पार्ट होगा वो थर्ड पार्ट है, यानी तीसरा पार्ट है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इसे अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिएगा, चाहे वो DU हो, सोल हो, इग्नू के कॉलेजेस में कई बार ये रिपीटेड हुआ है। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। परिचय, हम पहले बात को ध्यान से समझते हैं कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या विश्व बाजारों के बीच पारस्परिक निर्भरता पैदा होती है और व्यापार देश की सीमा में ना रहकर कहाँ किया जाता है, सीमा के आर पार किया जाता है, यानी अलग अलग देशों में व्यापार किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पूरा विश्व सिमट कर एक छोटे से गांव में तब्दील हो जाता है। जो पूरा विश्व है एक छोटे से गांव में अगर तब्दील हो जाता है, तो वो छोटे छोटे गाँव क्या करेंगे, मिलकर आपस में व्यापार करेंगे, संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, तो अब हम बात करते हैं कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न देश अपनी सीमाओं के अंदर व्यापार करेंगे, अन्य देश के व्यापार और पूंजी का आदान प्रदान होगा, अन्य देश की अर्थव्यवस्थाओं के संपर्क में आएगी और इससे क्या होगा, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य रूप में अगर देखा जाए तो इसके तीन आयाम है। पहला हमें क्या पढ़ना है, राजनीतिक आयाम। वैश्वीकरण के कारण राज्य की भूमिका जो व्यापक थी उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। राज्य की जो प्रभुसत्ता थी वो बुरी तरीके से प्रभावित होगी। जैसे राज्य में जो शासन करने का जो तरीका होता है, जैसे राज्य में सरकार होती है, किसी की भी सरकार हो सकती है, जो उसकी प्रभुसत्ता है वो बुरी तरीके से क्या होगी, नष्ट होगी। वैश्वीकरण के कारण राजनीति में काफी हद तक परिवर्तन हो गया है, जिनको हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण राज्यों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था की नीति को भी स्वीकार किया गया है। वैश्वीकरण की जो पॉलिसी है वो राज्य ने एक्सेप्ट किया है और राज्य की शक्ति में क्या आई है, कमी आ गई है। जो राज्य का जो पावर था ना, अब धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है। वैश्वीकरण के कारण क्या, कल्याणकारी राज्य राज्य की उन कल्याण नीतियों को भी प्रभावित कर रही है। वैश्वीकरण क्या कर रही है, राज्य के उन कल्याणकारी जो नीतियों को भी वो प्रभावित कर रही है, अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण गरीबी और पिछड़े वर्ग के लिए किए जाने वाले सुधार प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, हम बात करते हैं जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर प्राइवेट सेक्टर आती है तो जैसे कि शिक्षा को बेहतरीन तरीके से चलाया जा सकता है। वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पूरी दुनिया को अपना व्यापार प्रभाव जमा लिया है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं पूरी दुनिया में अपना व्यापार का जो प्रभाव है धीरे धीरे जमाते जा रहा है, तथा ये कंपनियां और विकासशील राष्ट्रों में सरकार को भी क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, जिससे सरकार के निर्णय लेने की जो क्षमता में क्या आ रहा है, परिवर्तन आते जा रहा है। यानी सरकार अब निर्णय तो ले रही है लेकिन ठीक तरीके से ले नहीं पा रही, क्योंकि वैश्वीकरण, TNC, MNC जो कंपनियां आ रही है तो वो अपना प्रभाव दिखा रही है, जमाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो अपने व्यापार को बड़े लेवल पर लेके जाते हैं और अपने कामों को अंजाम देते हैं। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के नियमों के कारण क्या, बड़े देश छोटे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो बड़े बड़े देश है वो क्या कर रहे हैं कि छोटे देशों के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी आंतरिक इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि यह राष्ट्र अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। जो देश है वो सारे जो डिसीजन वो खुद भी ले सकते हैं और ये नहीं चाहते कि कोई अमेरिका, रसिया जैसा देश हो, सकती हमारे विषय में हस्तक्षेप करे, क्योंकि भाई इंटरनल प्रॉब्लम जब क्रिएट होता है तो वहाँ के जो लोग हैं तो वही सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई बाहर का देश हमारे मामले में हस्तक्षेप ना करे तो बेटर है। आर्थिक आयाम वैश्वीकरण के क्या कारण हैं? आर्थिक क्षेत्र में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ और दुनिया के विभिन्न देशों के बीच क्या वस्तु, तकनीक, पूंजी का आदान प्रदान बड़ी तेजी से हुआ है। वैश्वीकरण के कारण आयाम को हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में क्या है, व्यापार में वृद्धि हुई है। बड़े औद्योगिक लोग किसी भी देश में क्या है, अपना पूंजी निवेश कर सकते हैं। खासकर विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा इनको क्या मिलता है, मुनाफा मिलता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये इन्वेस्ट करते हैं। वैश्वीकरण के कारण व्यापार में इंटरनेट का सबसे ज़्यादा प्रयोग बढ़ने लगा है और सबसे ज़्यादा तो बैंकों को फायदा हुआ था। तो
तथा अब मिनटों में पूंजी का क्या हो रहा है, आदान प्रदान एक दूसरे देशों में किया जा रहा है। उसके अलावा लोग एक दूसरे में जाकर क्या कर रहे हैं, नौकरियां भी करने लगे। वैश्वीकरण के कारण आपसी निर्भरता और ज्यादा बढ़ गई है, खुलापन आया है, इसके कारण ज्यादा से ज्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ी है और इसलिए वैश्वीकरण के समर्थक इसको वरदान मानते हैं। इसलिए वैश्वीकरण के जो समर्थक है इसको क्या मानते हैं, वरदान मानते हैं। कुछ लोगों की राय में वैश्वीकरण के कारण प्रतियोगिता में काफी हद तक वृद्धि हुई है, जिसके चलते क्या है, लघु कुटीर उद्योग बुरी तरीके से क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम क्या है। वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो देश की संस्कृतियों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इसके कुछ नकारात्मक और सकारात्मक पहलू हैं, उसको ध्यान से हमें सुनना और समझना है। जैसे कि वैश्वीकरण के कारण क्या है, विकासशील देशों की संस्कृतियां या यूरोपीय तथा अमेरिका की संस्कृतियों के अनुसार ढलते जा रही है, यानी भारत की जो संस्कृतियां हैं वो धीरे धीरे क्या है कि खत्म तो हो रही है, खतरे में तो पड़ी गई है, और यूरोप की संस्कृतियों के एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। मैकडोनल्ड में खाना, मौज मस्ती करना, तो ये सब क्या है, पश्चिमीकरण की सभ्यता की ओर हम क्या है बढ़ते जा रहे हैं। वैश्वीकरण प्रक्रिया के कारण क्या, लोगों की जीवन शैली में काफी हद तक क्या बड़ा बदलाव आया है। अब लोग क्या मैकडोनल्ड में खाना पार्टी करना पसंद करते हैं, देर रात तक घूमना भी पसंद करते हैं। वर्तमान समय में सभी देशों की संस्कृतियां आपस में घुल मिल गई है। उदाहरण के लिए उन त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाने लगे हैं जो उन्होंने कभी मनाया नहीं था, जैसे कि न्यू ईयर, क्रिसमस आदि। वैश्वीकरण प्रक्रिया के कारण लोग क्या मानसिक रूप से क्या अमेरिका और पश्चिम के देशों के क्या होते जा रहे, गुलाम होते जा रहे हैं, क्योंकि वह अपनी संस्कृति को बेकार और पश्चिमी संस्कृति को उचित समझने लगे हैं। लोगों के रहन सहन तथा बोलचाल से इससे बात पता चलता है कि जो अब लोग हैं वो पश्चिमी सभ्यता को अपनाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, पक्ष, यानी वैश्वीकरण का जो मुख्य जो उपकरण क्या है, विश्व व्यापार संघ है, जिसका उद्देश्य क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है तथा मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन करना है, जिसका लाभ क्या है विश्व के सभी देशों को प्राप्त होता है। और वैश्वीकरण के समर्थकों का मानना है कि यदि प्रक्रिया अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई तो एक बार यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से क्या है पूरे विश्व में लागू हो जाएगी तो पूरे विश्व में निरंतर विकास को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो ये थे हमारे कुछ पक्ष। जैसे कि यहाँ पे भी हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण के समर्थकों का मानना है कि वर्तमान समय में यह एक आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और मधुर संबंधों को बढ़ावा मिलता है। और वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक दूसरे के साथ क्या करती है, व्यापार करती है, जिसके कारण क्या स्थानीय सरकारों को करों के रूप में बहुत बड़ी क्या मिलती है, उनको धनराशि मिलती है यानी प्राप्त होती है। क्योंकि वैश्वीकरण एक पूंजीवादी व्यवस्था के कारण क्या, इसके अगर देखा जाए तो इसमें प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। जो वैश्वीकरण एक जो पूंजीवादी जो व्यवस्था होने के कारण इसमें बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जिससे उपभोक्ता को सस्ते दामों पर बेचा जा सके, जो माल होता है उसको सस्ते दामों पर बेचा जा सके। अब हम बात करते हैं विपक्ष में तर्क। वैश्वीकरण एक क्या है, गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो कल्याणकारी राज्य की भूमिका को कम कर रही है और लोकतंत्र के धीरे धीरे क्या कर रही है, ये कमजोर करते जा रही है। अगर देखा जाए जो वैश्वीकरण क्या है, एक गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये राज्य की शक्ति को बहुत ज्यादा कम करते जा रही है और लोकतंत्र को भी कमजोर कर रही है। प्यारे मित्रों, यहाँ पे राष्ट्रों की जगह आपको राष्ट्र लिख लेना, जिससे राष्ट्रों की प्रभुसत्ता को खतरा उत्पन्न हो गया। आलोचकों का मानना है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया विकसित देश का एक क्या है, कार्यक्रम है, जिसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करके अपने लाभ के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आलोचकों के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, केवल आर्थिक लाभ कमाना है या प्राप्त करना है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित भी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया के कारण क्या धनी तथा निर्धन वर्ग के बीच में काफी हद तक क्या पाया गया, असमानता पाई गई है, वृद्धि हुई है। जैसे 20% धनी देशों की जनसंख्या और निर्धन
देशों की आय का अंतर अगर देखा जाए तो 1960 में 30% से भी बढ़कर 1995 में 82% हो गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विश्व में 80 करोड़ जो लोग हैं वो भोजन की कमी का शिकार होते जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, ये था हमारा वैश्वीकरण के आयाम। तो हमने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुना और समझा और देखा भी। तो आप अपने नोटबुक को उठाइए और अपने टॉपिक को लिखिए। आई होप कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से नंबर को इंक्रीज कर सकें।